बहुत से दर्शकों ने कमेंट्स करके मुझे पूछा कि मैं कौन सा टॉर्च लाइट यूज करता हूँ। तो आज दोस्तों मैं अपने इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन सा टॉर्च लाइट यूज करता हूँ और आपके लिए कौन सा टॉर्च लाइट बेस्ट हो सकता है। आज मैं इस वीडियो पे मेरा पूरा सेटअप दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन कौन सा सामान यूज करता हूँ और कौन कौन से टॉर्च मैं यूज करता हूँ, कौन सा टॉर्च आप कितने दामों पर खरीद सकते हैं और इसका बैकअप क्या रहता है वगैरह, जो भी जानकारी है, जो भी मेरा तजुर्बा है, वो मैं आज इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे हम जंगल और जानवर से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ अपलोड करते हैं, खास करके हाथी की जानकारी देखने के लिए और हाथी से जागरूक होने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ये नोटबुक जो मैंने इस साल ही शुरू किया है और इस पर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इसमें मेंशन करता हूँ। हाथी के जो मूवमेंट है उसे मैं इसमें नोट करता हूँ। साथ ही अगर मैं कहीं पे जाता हूँ और कोई ऐसा हाथी, पार्टिकुलर हाथी को मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ तो उसके बारे में भी कुछ बातें इस डायरी पर मैं लिखता हूँ। ये कुछ डिटेल्स हैं जो 2021 से लेकर 2024 तक कुछ कैजुअलिटी की रिपोर्ट है जो हाथी मानव संघर्ष हुए उनमें कहाँ जाने गई हैं और किस तरह से ये घटना हुई है इनके बारे में मैंने लिखा है। ये एक पेज है जहाँ पे मैंने हाथियों के डेथ के बारे में लिखा है। 2021 से 2024 तक इस क्षेत्र में 6 हाथी मरे हैं, उनका सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। साथ ही कुछ ऐसे फुटप्रिंट वगैरह भी मैं नोट करता हूँ। ये मेरा नया डायरी है, इसके साथ में कुछ ये पेपर है जो मीटिंग के पेपर थे, इनमें भी बहुत सारी जानकारियां हैं और इन्हें पढ़ के हाथी के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यहाँ पे और कुछ सामग्री है, आप देख सकते हैं, ये एक नोट है, इनके माध्यम से भी जंगल और जानवर के बारे में समझा जाता है। तो ऐसे जो भी वस्तुएँ होती है जो हमें जंगल या जानवर के बारे में बताती हैं उसे तमाम जानकारियों को मैं पढ़ता हूँ। और ये मेरा फील्ड नोटबुक है, जब मैं कहीं पे फील्ड पे जाता हूँ तो ये नोटबुक मेरे साथ में होता है और इसे वहीं जाके फील्ड पे इसे मेंशन करता हूँ, उसके बाद मैं आके अपने नोटबुक में या डायरी में उसे मैं नोट कर लेता हूँ। इसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं और ये मैं 2023 में यूज करता था। अब ये जो डायरी आप देख रहे हैं ये 2021-22 में मैं यूज किया करता था, इसमें भी बहुत सारी जानकारियां हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ते गया मैंने अपनी डायरी को भी बढ़ाना शुरू किया। अब हम आगे आपको बताते हैं टॉर्च के बारे में। तो दोस्तों मेरे पास में ये 3 टॉर्च हैं और मैं ये तीनों टॉर्च ही यूज करता हूँ। बारी बारी से मैं आपको सभी टॉर्च के बारे में बताऊँगा। ये पहला टॉर्च जो आपको दिखा रहा हूँ ये एशियन का वाटरप्रूफ सर्च लाइट है जो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, आप पहले भी इसे देखे होंगे। और ये तकरीबन 4,500 से 5,000 तक में आता है जो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप और जो फोकस है वो काफ़ी बेहतरीन है और मैं अभी फ़िलहाल 3-4 महीने से भी ज़्यादा हो गए जो मैं इस लाइट को यूज कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। और इस लाइट में 3-4 मोड भी दिए हुए हैं जो अलग अलग टाइम पे काम भी आते हैं। तो यकीन मानिए कि एक बेहतरीन लाइट है। अगर आप हाई रेंज पे कोई लाइट लेना चाहते हैं तो आप इस लाइट को यूज कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं। इस लाइट की और एक खास बात है कि यह वाटरप्रूफ है तो इसे हम हल्की बारिश पे भी यूज कर सकते हैं। ये नाजी का क्रेकर्स मैंने रखे हुए हैं क्योंकि हमारा जो गाँव है वो हाथी प्रभावित है तो कभी कभार ये काम में आ जाते हैं। अब मैं आपको दूसरा जो टॉर्च दिखाने वाला हूँ वो है एंड्स लाइट का नैनो। ये बहुत ही जाना पहचाना और एक पॉपुलर टॉर्च लाइट है और एक सस्ते दाम पे अवेलेबल है, आप इसे 1,000 के अंदर में ही खरीद सकते हैं और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। ये चीप एंड बेस्ट लाइट हम बोल सकते हैं। अगर आप अपने घर के यूज के लिए या अपने सेफ्टी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं। अब जो तीसरी लाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा सबसे पसंदीदा लाइट है
और इसे अक्सर मैं अपने साथ में रखता हूँ और ये मेरा आखिरी बैकअप होता है। ये पावर स्टाइल का लाइट है जो एक स्मॉल सन के नाम से भी जाना जाता है। इसे मैंने ऑनलाइन 500 रुपये पे ख़रीदा था। ये देख सकते हैं, ये स्मॉल सन के नाम से जाना जाता है और इसका भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये रास्ता चलने के लिए एक बहुत ही अच्छा लाइट है। जब कभी ऐसा होता है कि रात हो जाती है और सारे जो सर्च लाइट है, बड़े लाइट है, वो ऑफ हो जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में वापस लौटने के लिए एक छोटा सा बैकअप हमारे पास में होना ज़रूरी होता है और उस सिचुएशन में आप इस लाइट का यूज कर सकते हैं। ये घर पे यूज करने के लिए या शॉर्ट डिस्टेंस पे यूज करने के लिए, रास्ता देखने के लिए बहुत ही अच्छा लाइट है। इसमें भी 3-4 मोड मिल जाते हैं। साथ ही इसमें और एक नया फीचर्स है, आप देख सकते हैं, यह जूम इन और जूम आउट भी करता है जो दूर तक देखने में हमें मदद करता है, और सामने भी इसका ब्राइट एंगल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए मैं इसे पैक कर देता हूँ। ये मेरा पसंदीदा टॉर्च है और हमेशा ही मैं इसके साथ लेके चलता हूँ। ये तीनों लाइट मैं यूज करता हूँ और तीनों ही लाइट के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तीन लाइट क्यों यूज करता हूँ। तो अक्सर मैं रात को बाहर जाता हूँ हाथी के वीडियोस बनाने के लिए, उनके मूवमेंट के लिए। मैं कभी कभार टीम के साथ भी जाया करता हूँ, तो इस केस में लाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं तीन लाइट लेके चलता हूँ कि जब हमें चलना हो तो मैं एंड्स लाइट का नैनो यूज करता हूँ। इससे रास्ता देखने में बहुत आसानी होती है और टॉर्च हल्का है। सेकेंड में जब हाथी दिख जाता है तो मैं इस एशियन के सर्च लाइट को यूज करता हूँ। इसमें बहुत ब्राइट है और जब लास्ट में अगर ये दोनों ख़त्म हो जाता है तो मैं पावर स्टाइल का जो स्मॉल सन लाइट है, इस लाइट को यूज करता हूँ। अगले साल मैंने हाथी देखने के लिए ये एक बायनाकुलर्स भी मंगाया था जो किसोन का है और 8x14x का जूमिंग है, और इसका भी रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये कम प्राइस पे एक अच्छा प्रोडक्ट है जिससे हम हाथी को देख सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि इसके मदद से मैंने जो 50-60 हाथियों का झुंड था, उस झुंड में से बहुत से हाथियों को पहचानने का काम किया है और सबका अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है जो मैं नोट करता हूँ, जो आगे मुझे मदद करती है उनके बिहेवियर को समझने के लिए। तो इस बायनाकुलर्स के मदद से मैंने बहुत सारे काम किए हैं। इसका भी जो काम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका लेंस भी काफ़ी बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। इतने कम प्राइस पे इसे मैंने 2200 रुपये में ऑनलाइन परचेज किया था, तो इतने कम प्राइस में ये एक बेहतरीन चीज़ है। साथ ही मैं एक सेल्फी स्टिक भी यूज करता हूँ, ये देख सकते हैं। ये एक ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक है, वायरलेस है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन भी लगा हुआ है जो वीडियोज़ बनाने के लिए मैं अक्सर यूज किया करता हूँ। तो ये कुछ प्रोडक्ट है मेरे पास में जो मैं यूज करता हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा माइक। ये K8 का माइक है और इसी माइक से मैं साउंड रिकॉर्ड करता हूँ। इसका भी रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और ये भी एक अफोर्डेबल दाम पे उपलब्ध है। आप इसे अंडर 100 पे ख़रीद सकते हैं और ये एक अच्छा माइक है। इसका साउंड क्वालिटी भी ठीक है और इसे यूज करना भी काफ़ी आसान है। तो साथियों, मैं आप लोगों को अपना सारा सेटअप दिखा चुका हूँ। इन्हीं कुछ सामग्रियों के मदद से मैं वीडियोस बनाता हूं और हाथी की जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आप लोग हाथी मित्र के साथ में अपना प्यार बनाए रखेंगे और मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज को सपोर्ट जरूर करेंगे। और भी कुछ सामान मुझे अब खरीदने हैं जिनसे मैं हाथी की जानकारी आप लोगों तक जल्द और बेहतरीन ढंग से पहुँचा पाऊँ। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही अपने नए वीडियोस पर मिलते हैं, नए जगह और नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।